सांप के आसपास होने के डर से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसे में अगर सांप सामने आकर ही बैठ जाए तो हालत खराब हो जाती है। और असली डर तो तब लगता है जब सांप अपनी अजीब सी जीभ निकालकर हमें डराता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सांप की जीभ दूसरे जीव जंतुओं जैसी ना होकर इतनी अजीब सी क्यों होती है? सांप अपनी जीभ का यूज हमारी तरह टेस्ट का पता लगाने के लिए नहीं करता, बल्कि सांप अपनी जीभ से वही काम करता है जो काम हम अपनी नाक से करते हैं। वैसे तो सांप के पास नाक भी होती है, लेकिन कौन सी स्मेल कहां से आ रही है इसका पता सांप अपनी जीभ की मदद से ही लगाता है। इसीलिए सांप बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालता है। सांप अपनी जीभ को इस तरह से बाहर निकालकर हवा में मौजूद नैनो पार्टिकल्स को कैच करता है, जिससे उसे आसपास मौजूद हर चीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये काम तो सांप नॉर्मल जीभ से भी कर सकता है, फिर इस तरह की स्प्लिट टंग की क्या जरूरत है? स्प्लिट टंग सांप को एक ज्यादा बड़े एरिया की जानकारी पता करने में मदद करती है, और साथ ही साथ स्मेल किस तरफ से आ रही है ये भी सांप अपनी स्प्लिट टंग की वजह से ही पता कर पाता है। इस बात को हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। अगर स्मेल टंग के राइट साइड में स्ट्रॉन्ग होती है और लेफ्ट साइड में वीक होती है, तो इससे सांप को ये पता चल जाता है कि कोई चीज उसके राइट साइड में मौजूद है। इसके बाद ही सांप फैसला करता है कि उसे राइट जाकर उस चीज की तरफ जाना है या लेफ्ट जाकर उस चीज से दूर भागना है। इसे समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कान हर दिन इसी काम को करते हैं। हमारे कान आवाज सुनकर ही हमें बता देते हैं कि कोई चीज हमसे कितनी दूर है और किस तरफ से हमारी तरफ आ रही है। सो जो काम हमारे लिए हमारी नाक और कान करते हैं, ठीक वही काम सांप के लिए सांप की स्प्लिट टंग करती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव को देखा है जिसकी जीभ भी सांप की तरह ही हो? कमेंट करके जरूर बताएं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।